दोस्तों लेकर आ गया हूँ आपके लिए 15,000 बजट सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले 5G नेटवर्क सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन। तो 5 स्मार्टफोन आपके लिए सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस देने वाले स्मार्टफोन 15,000 बजट में जो मिले मुझे, तो वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। माय नेम इज नितिन, आप देख रहे हो पेमेंट एक्स्ट्रा चैनल। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बेस्ट फोन को बाय करने के लिए चार चीजें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। सबसे पहले हमें फोन की डिस्प्ले, हमें एमोलेड डिस्प्ले मिले 120 हर्ट्ज वाली, और साथ में बैटरी 5000 एमएएच की बैटरी, स्नैपड्रैगन 740 से ऊपर वाला प्रोसेसर मिलना चाहिए। इसके अलावा हमें कैमरा कम से कम यार 48 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल इतना तो हमें मिलना चाहिए। ये चीजें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। तो इन सभी चीज को देखकर नंबर 5 पर हमारा फोन आया है, वीवो का T1। जी हाँ, ये 5G फोन है और इसमें मिलती है 695 का गेमिंग प्रोसेसर सुनने में कम लग रहा होगा, बट नहीं दोस्तों कम नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों आप आराम से अल्ट्रा गेमिंग कह सकते हो। बीजिया भाई ये बहुत ज्यादा आपको अच्छा पिक्चर मिलता है, क्योंकि यार वीवो का सेल्फी एक्सपर्ट है, इसके ओप्पो एंड वीवो ये भाई भाई है, लेकिन फिर भी यार कैमरे वाइज नहीं ये गेमिंग विषय अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे। 14,999 रुपीज का ये वाला फोन आपको मिल जाएगा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और नंबर 4 पर दोस्तों हमारा फोन है सो की यार इस फोन का जिक्र PUBG के पीछे दोस्तों बहुत ज्यादा किया गया है, क्योंकि यार PUBG वगैरह हम सभी लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे PUBG। तो PUBG जब आप खेलते हो तो IQ के फोन का आपने एड्स वगैरह बहुत देखी होगी। ये है IQ00Z6 5G, ये 5G नेटवर्क सपोर्ट करने वाला, ये भी वही स्मार्टफोन है जो आप दोस्तों सोच रहे हो। तो यहाँ पर हमें मिल जाती है 6.58 इंचेस की 401 ppi की IPS सेंसरी डिस्प्ले। सो कि इन दोनों की दोस्तों डिस्प्ले बिल्कुल सेम है वीवो एंड IQ की, और इसमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की गई है, और 5000 एमएएच की बैटरी है, और 205 चार्जिंग पोर्ट है। 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के हमें क्वाड्रेट कैमरास मिल जाएंगे। 60 मेगापिक्सल फ्रंट का कैमरा है, फ्रंट का कैमरा वीवो का और IQ का, इन दोनों का दोस्तों कैमरा बिल्कुल सेम है, और प्रोसेसर भी बिल्कुल सेम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का। इसलिए ये फोन हमारा 5th एंड 4th नंबर के बीच में इसीलिए रखा, क्योंकि यार ये दोनों आपस के बीच में टक्कर देने वाले फोन है, और कैमरे के मामले के बीच में भी और गेमिंग के बीच में भी। यहाँ पर दोस्तों बात करें इसके प्राइस की, ये 14,999 रुपीज का बिल्कुल सेम प्राइस में आपको मिलेगा, लेकिन आपके लिए मैं डायमंड सिटी वाला प्रोसेसर वाला फोन लाया हूँ, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 700 से ऊपर वाला भी लेकर आया हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। 3 नंबर पे हमारा फोन आया है मोटो G40 फ्यूजन। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला के फोन ऑब्वियसली कि आपने यार कभी बहुत कम यूज किए होंगे, लेकिन कई लोग यार यूज किसी ने किए नहीं है, बट कई लोगों ने किया, जिन लोगों ने किया उनको पता कि कितनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं मोटो के स्मार्टफोन। वैसे इस फोन का सिलेक्ट करने का सीन यही है, 6.8 इंच की 395 ppi के साथ 200 IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। सो ये रिफ्रेश रेट यार आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल रही होगी सभी फोन के बीच में। यार रिफ्रेश रेट ज्यादा इसलिए रही क्योंकि आपको बेस्ट फोन चूज करवाना है ना, इसके लिए यार एक सब्सक्राइब तो कर ही दो। बैक के लुक के बीच में 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के आपको बैक के रियर कैमरास मिलेंगे, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट का कैमरा है, और दोस्तों यार इसकी जो क्वालिटी है मोटो के इस फोन में कैमरे के पीछे जो फीचर्स है दोस्तों, फीचर आप यूज करके देखना कि यार इसके कैमरे की जो कलर्स है, क्लैरिटी है बिल्कुल सही आएगी। 4K वीडियो स्पोर्ट है इस फोन में, वैसे यार क्वालिटी भी बहुत ज्यादा सही लगी मुझे इस फोन की। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं गेमिंग प्रोसेसर की, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का गेमिंग प्रोसेसर इसमें प्रोवाइड किया गया है। इससे आप अल्ट्रा के बीच में आराम से खेल सकते हो, बीजीएमआई अदरवाइज बीजीएमआई खेलनी है, फ्री फायर खेलनी है, माइनक्राफ्ट खेलनी है, सभी चीजें इस फोन के बीच, सभी गेम्स इस फोन के बीच में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। और 6000 एमएएच की बैटरी और 20W की चार्जिंग की सपोर्ट है, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है, और साथ में FM रेडियो या अदरवाइज ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं इसके प्राइस की, दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, 14,995 रुपीज का ये फोन मिल रहा है भाई साहब। 6GB की रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुझे भाई बेस्ट डील लगी ये वाली। तो आपको दोस्तों कैसा लगा ये वाला मोटो का फोन? तो अब दोस्तों नंबर 2 पर हमारा फोन है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G।
सैमसंग गैलेक्सी एफ 23 5G। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग के फोन ऑब्वियसली कि सभी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सैमसंग अब इतने अच्छे अच्छे फोन भाई लॉन्च कर रहा है ना कि यार हम सबको ये सैमसंग के फोन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगने लग गए हैं। और इस फोन को भी दोस्तों आप जरूर पसंद करोगे। 6.6 इंचेस की आपको 400 PPI के साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। और 50 MP 8 MP+2 MP के भाई क्वाड्रेट कैमरे बहुत मस्त हमें कैमरे मिल जाते हैं। और 16 MP का फ्रंट का कैमरा भाई साहब बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई भी यार चेंजेस नहीं आ रहा यार फ्रंट के कैमरे के बीच में, बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 का गेमिंग प्रोसेसर इसमें प्रोवाइड किया गया है, और गेमिंग प्रोसेसर थोड़ा सा हमारा नेक्स्ट लेवल है मोटो के फोन से। अगर हम कंपेयर करके देखें इसमें क्वालकॉम का जो प्रोसेसर है वो हमें थोड़ा सा ज्यादा मिल गया है। तो ये वाले फोन की बात कर लेते हैं, ये 14,999 रुपीज का देखने को मिलेगा, 15,000 बजट के बीच में दोस्तों आपको बहुत ही बेस्ट रेंज मिल जाती है। वैसे दोस्तों यार आपको ये सैमसंग का ये फोन F23 कैसा लगा बताना जरूर यार नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ऑल राइट, नंबर वन पे आ गया हमारा रियलमी 5G। जी हाँ, ये दोस्तों 5G नेटवर्क सपोर्ट करने वाला एक ऐसा लेटेस्ट गेमिंग फोन है। सो कि रियलमी के दोस्तों 9 सीरीज जो आई है, मींस कि रियलमी के जो 9 फोन इन्होंने लॉन्च किया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला फोन है। इसमें दोस्तों डायमंड सिटी 810 गेमिंग प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। इसमें आप एक्सट्रीम के विषय पबजी वगैरह दोस्तों खेल सकते हो। 6.5 इंच की 405 PPI के साथ IPS LCD 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। और इसमें दोस्तों यार जो कैमरास है ना भाई, कैमरास बहुत मस्त है। 4K वीडियो सपोर्ट है भाई, 4K वीडियो बना सकते हो बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से। 5000 mAh की बैटरी है, और साथ में दोस्तों फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब कुछ इस फोन में आपको अवेलेबल मिलता है। वैसे इस फोन का दोस्तों डिजाइन भी बहुत अच्छा है, और डिजाइन वाइज हो गया जो फीचर वाइज हो गया आपको ये कैसा लगा। वैसे ये 15,000 बजट के बीच में 14,999 रुपीज का, अगर आपको मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोस्तों 8GB रैम वाला ये वाला फोन लेना, क्योंकि इस फोन में जैसे फीचर्स है ना, आपको 8GB रैम वाला अगर आप लोगे ना तो आपको दोस्तों ये कम से कम यार 16,000 या 17,000 पड़ेगा। 2,000 के चक्कर के बीच में आप 8GB रैम वाला क्यों मिस कर रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो स्मार्टफोन मैंने आपको बताया, 5 स्मार्टफोन, तो 5 स्मार्टफोन के बीच में आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेस्ट लगा ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, उस फोन का नाम लिखा। वैसे दोस्तों यार आपका क्या बजट है यार, आपका प्राइस क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ, कि आपका जो रियल प्राइस है यार, आप कितने प्राइस के बीच में नया फोन बाय करना चाहते हो। वैसे 15,000 के बीच में तो मैंने बना दी, अगर 15,000 का तो बाय कर सकते हो। अगर आपका नेक्स्ट लेवल और ज्यादा भाई आप अमीर हो, आप और ज्यादा पैसे लगाने के लिए तैयार हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई मुझे इस बजट के बीच में फोन लेना है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो आपको एक काम करना है यार जो आप कभी नहीं करते, वो है फेम टेक स्टार का नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।